आ गया। हाय, क्या चल रहा है? वेलकम वेलकम भाई। अंदर भी रिकॉर्ड कर रहा है। डुअल कैमरा है आगे और पीछे। बहुत सही यार। कौन सा कंपनी का है? क्या बना रहे हैं? मटन बना रहे हैं भाई। मटन की तैयारी चल रही है। ओ बे बे बे, क्या गजब हो गया। खुशबू देख रहे हैं इसमें, क्या बेहतरीन आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी बारिश जैसा लग रहा था बिल्कुल, मैं ऊपर आया सोच के कुछ कपड़े कुपड़े हैं तो नीचे ले आएंगे, मगर बारिश नहीं, बहुत तेज़ धूप हो रही है और पसीना भी आने लग गया यार। अभी अभी आया साइड से मैं, 2:30 बज रहे हैं अभी और मौसम तो बारिश जैसा ही लग रहा है यार, होनी भी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। और शिवांशु आ रहा है, शिवांशु का वेट कर रहा हूँ, आधे एक घंटे में आ जाएगा। तो बाकी आगे का प्लान और सारी प्लानिंग उसके आने के बाद करेंगे, कहीं जाना है तो कहीं चलेंगे और बस यही है। चलो मिलेंगे आपको, शिवांशु आने के बाद मिलाते हैं। शिवांशु आ गया। हाँ भाई, शिवांशु आ गया। हाय, क्या चल रहा है? वेलकम वेलकम भाई। मस्त कर दिया तुमने आज सडनली। हाँ, और दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं साइट में, साइड का राउंड मार के आएंगे और शिवांशु की गाड़ी में जा रहे हैं। और सनरूफ खोल दिया एक बार, बिल्कुल बारिश जैसा माहौल है। ये देखिए, बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तेज। देखो भाइयों, डैश कैमरा बहुत जरूरी है यार। देखो सिटी में अगर चला रहे ना, सिटी में क्यों, कहीं भी चलाओ, कहीं भी चलाओ, बहुत सही है फीचर डैश कैमरा। अंदर भी रिकॉर्ड कर रहा है। डुअल कैमरा है आगे और पीछे। बहुत सही यार। कौन सा कंपनी का है? रेड टाइगर। रेड टाइगर है यार ये। अंदर भी रिकॉर्ड कर रहा है तो मस्त है। 4K अंदर भी। मैं यूज कर रहा हूँ DD5, मगर DD5 में भी, DD5 से भी सही है। हो सकता है DD5 में भी ऑप्शन होगा। अच्छा है, मगर डैश कैम यार, कभी ना कोई गलती गुलती, किसकी गलती है, तेरी गलती है, गलती पुलिस वाले ये सब में। और वैसे भी अनजान जा रहे हो तो जल्दी से मे भी कोई आदमी उलझे भी ना आपसे, सिर्फ इसीलिए देख के कि कैमरा लगा हुआ गाड़ी में। आजकल कुछ भरोसा नहीं है ना, लंबा जा रहे हो जबरदस्ती, तो हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है, टेंशन भी नहीं रहती। जब मर्जी है निकाल के उसको देख लो, अपनी रिकॉर्डिंग के लिए भी सही है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज होगी अगर, हाँ हाथी शेर चीता कोई आ गया, हाँ हाथी शेर चीता आ गया तो वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। ओहो दोस्तों, आ गए हैं साइट में। साइट में क्या हुआ काम आज? बारिश शुरू होने, शुरू होगी बारिश। पानी गिर रहा हाथों में, बूंदे गिर रही छोटी छोटी। तो दोस्तों शिवांशु आया और कुकिंग का प्लान बन रहा, थोड़ा मटन बनाएंगे हम, थोड़ा घर से देहरादून से वो ला रखा ना बड्डू लाया हुआ, हांडी वाला बड्डू है एक छोटा बड्डू, तो उसमें सोच रहे कोयले के ऊपर नहीं तो लकड़ी पे कोयले पे डाल देंगे और देखते हैं मटन बना पाए तो, क्योंकि मेहनत बहुत है यार, ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है। तो दोस्तों हम आ गए घर और देखो कौन है अपने साथ, मायरा। हेलो। और आज हमारी प्लानिंग है मटन बनाने की, बताया था आपको। क्या बना रहे हैं? मटन बना रहे हैं क्या भाई? मटन की तैयारी चल रही है। इसमें बनाएंगे इसमें कोयला भर देंगे और कोयले के ऊपर रख देंगे अपना बड्डू और मटन पकता रहेगा, है ना। और इसमें हम कोयला किसमें जलाने वाले हैं? कोयला तो अपना इसी में जलेगा, ये पावर मिसाइल पावर। ये दोस्तों अपना कोयले का स्टॉक, चलो भाई बच्चे इससे बहुत छीटे आपको। नया बड्डू आज इसका उद्घाटन है और इसमें लगा रहे हैं मिट्टी ताकि जले ना, काला होगा तो मिट्टी से निकल जाएगा इजी। इतनी आराम से मिट्टी लगा दी हमने, बस पूरे में मिट्टी लगी, अब ऊपर की लेयर आराम से निकल जाएगी जब काली होगी। ये प्रोसेस बहुत देख के करना पड़ता है भाई,
ओए क्या हवा चल रही है, मस्त। हाय 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 मस्त। मिट्टी लगा दी हमने, थोड़ी मिट्टी गर्म हो जाएगी ना, और मटन रेडी है अपना, वॉश होके आ चुका है, प्रीमियम क्वालिटी मटन। ये गैस में सरसों का तेल 100 ग्राम बहुत है। ये है गार्लिक, ये सब रेडी है, मोटा मोटा काटना है बस रफली। ये है मिर्चियाँ, अब डालेंगे 4 मिर्च, ठीक है। अब जाएगा इसमें जिंजर, गार्लिक ज़्यादा डालना है, ये डाल दिया भाइयों प्याज, दोस्तों मटन डालने के लिए रेडी हैं हम, चलो भाई डाल देंगे। ये गया अपना मटन, और बस हिला दे एक बारी, और उसके बाद डाल देंगे मसाले भी, सब एक साथ डाल देंगे। अब डाल देंगे सारे मसाले। अब डालेंगे चिकन मसाला, वेरी गुड, डालो डालो डालो। हाँ मस्त कलर आ गया दोस्तों इसका, ये देखो दोस्तों, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला अभी तक हमने, ये ऐसे ही बनेगा विदाउट वाटर, और एक आधे घंटे में पक जाएगा। ये लोटा लोटे में हमने डाला पानी, ओ भैया क्या कलर हो गया, सही हो गया ना, परफेक्ट। अब डालेंगे इसमें टमाटर, और रख देंगे इसके ऊपर लोटा। दोस्तों अपना मटन रेडी है, चलो आपको दिखाते हैं, ये देखो। ओए 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 बे बे, हमने रखा भाई ये 7:25 से, हैं 7:25 से, हाँ यार अभी क्या टाइम हो रहा है, देख 10:25 7:25 से 8:25 9:25 10:25 3 घंटे हो गए यार। ओ बे बे बे, क्या गजब हो गया, खुशबू देखना इसमें क्या बेहतरीन आ रही है, ये रम गया होगा बिल्कुल मसाले के साथ, लपट गया पूरा लपट। चलो लेके चलेंगे से नीचे, खाते हुए दिखाएंगे, खाते हुए दिखाएंगे यार कैसा बना हुआ चावल के साथ आएगा इसका मजा। ये देखो दोस्तों अपना मटन सॉलिड, और ये देखिए यार, ओए ओए देखो यार क्या गजब बना हुआ, सिंपलिस्टिक रेसिपी है। हाँ कुछ नहीं है, क्या करा सब कुछ डाला, सब कुछ डाल मसाले डाले, हाँ। और पकने को छोड़ दिया, हाँ, सही है, और देखा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं हमने, कहाँ देखा, इतना नहीं देखा। जनरली लोग बोलेंगे कि मटन में टमाटर मत डालो, मत डालो, लेकिन टमाटर से वो कलर आ रहा है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं ले रहे हो। चलो दोस्तों खाते हैं, भाई बता कैसा बनाओ, तू बता यार। जबरदस्त, काश कि आप लोग भी खा पाते तो बता पाते, तो बता पाते कैसा बना। भयंकर सॉलिड यार। चलो दोस्तों यही है, बहुत मजा आया, 3 घंटे पकाया, ओपन कुकिंग है, प्रेशर कुकर में वो टेस्ट नहीं आता, वो नहीं आएगा, है ना। अब पकेगा भी अलग तरीके, पकेगा भी पूरा गल जाएगा, अभी इसमें वो है थोड़ी सी पावर है जो मटन में चाहिए ना, थोड़ा चुई होना है वो है, और पूरा गल भी गया और थोड़ा चुईनेस भी है, तो यही है कॉम्बिनेशन परफेक्ट रेसिपी का, और
हीरो तो ये है बड्डू, देखो मट्टी जरूर लगा देना यार इसमें ऐसे बर्तन में। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, कल खाते हैं खाना और मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you.